दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थानी होम किचन गार्डन में। आज हम करेंगे गोबर खाद से दूधिये की सीडलिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोट में एक गोबर खाद को मिलाएंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद दोस्तों इसको मिलाने के लिए हम किसी नुकीले औजार का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी तरह से गोबर खाद मिट्टी के अंदर मिल सके। अब हम दूधी के बीज को 2-2 इंच की गैप से रख देंगे। अब हम इसे मिट्टी में हल्का सा दबा देंगे, ज़्यादा गहरा नहीं दबाएं, हल्का सा। एक छोटी सी मिट्टी की लेयर ऊपर बन सके इतना, ताकि पानी देते वक्त हमें हमारा जो ये जो बीज है वो अपनी जगह से न हिले। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी दे देंगे। दोस्तों ये पोट ऐसी जगह रखा है जहाँ 2-3 घंटे फुल सनलाइट आती है, क्योंकि जो दूधी की जो बेल होती है उसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। सात दिन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे जो सीड्स लगाए गए थे, हमने 5 सीड्स लगाए थे जिसमें से 4 अच्छी तरह से जर्मिनेट होने लगे हैं। दोस्तों देखिए ये सीड्स, दूधी के जो सीड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं थोड़ा, तो उसमें जर्मिनेशन में टाइम लगता है, 7-8 दिन लग जाते हैं। देखेंगे हम आगे कुछ दिनों के बाद। दोस्तों 12 दिन के बाद भी हमारी लौकी का जो जर्मिनेशन है अच्छी तरीके से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।